गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम वाटिका पाठ्य पुस्तक से एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का 5वां चैप्टर है, जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। जैसे कि हमें शीर्षक से पता चल रहा है कि नगरी कैसी है, अंधेर नगरी है, वहाँ के राजा कैसे हैं, चौपट। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये शीर्षक आखिर क्यों दिया गया है? तो चलते हैं, जब मैं इस अध्याय को हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आखिर ये अंधेर नगरी चौपट राजा के पीछे कारण क्या है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले ये मैं बताना चाहती हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा ये नाट्य विधा में लिखी हुई रचना है, अर्थात ये नाटक है। और इस नाटक के लेखनी किसने की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ये काफ़ी बहुत चर्चित नाटक है। इसे हमने कई बार टेलीविज़न या अन्य मंचों पर देखा होगा। तो चलते हैं, ये काफ़ी नाटक हमें प्रभावित करेगी और इस नाटक से हम बहुत सारी जो बातें हैं वो अपने जीवन में लागू भी करेंगे और इनसे सीखेंगे। तो जब हम नाटक शुरुआत करते हैं नाटक की, तो उसमें सबसे पहले हमें पात्रों का परिचय होता है। किसी भी नाटक में पात्र जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। तो चलते हैं, हम उनके पात्रों से पहले मिलेंगे और उसके बाद इस नाटक की शुरुआत को पढ़ेंगे। तो चलते हैं नाटक की शुरुआत की ओर। अंधेर नगरी चौपट राजा। पहले पाठ के परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ में ऐसे नगर का वर्णन है, अर्थात ऐसे नगर का जिक्र है जिसमें अव्यवस्था है, अर्थात जिस नगर में व्यवस्था ना मात्र की चीज है, अर्थात उस नगर में कोई व्यवस्थित चीज़ें नहीं हैं। और वो नगर कैसा है? अव्यवस्थित है, अव्यवस्था है, और जिसका राजा बिना विचारे कार्य करता है। आप समझ सकते हैं, जिस नगर के राजा बिना सोचे विचारे कार्य करते होंगे, उस नगर की क्या दशा होगी, उस नगर के प्रजा किस प्रकार रहते होंगे, और उस नगर में सारी चीज़ें अव्यवस्थित रूप से मौजूद हैं। इससे प्रजा को तो कष्ट होता ही है, राजा भी अपनी ही विचारहीनता के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात जिस नगर के राजा बिना सोच विचार के कार्य करते हैं, उनकी प्रजा भी कष्ट में होती है और राजा को भी अंत में क्या होता है, अपनी विचारहीनता के कारण, अर्थात अपनी बुद्धिहीनता के कारण उन्हें मृत्यु प्राप्त हो जाती है। किस कारण से? अब ये नाटक हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो ये नाटक काफ़ी रोचक है और आप सबको भी इसे पढ़कर काफ़ी आनंद की अनुभूति होगी और काफ़ी आपको ये प्रसन्नता प्रदान करेगी। तो चलते हैं नाटक की शुरुआत की और नाटक के शुरुआत में सबसे पहले पात्रों से हमें परिचय होना पड़ेगा। पात्र कौन कौन है? गुरुजी, उनके दो शिष्य कौन कौन? नारायण दास, गोवर्धन दास, एक सब्जी वाला, हलवाई, राजा, फरियादी, मंत्री, कल्लू बनिया, कारीगर, चूनी वाला, भिस्ती, कसाई, गरेड़िया, कोतवाल एवं सैनिक। जो ये पात्र हैं, नाटक इन्हीं की इत्र गिर्द घूमती है और इन्हीं पात्रों के द्वारा पूरी नाटक समाप्त हो जाती है। तो चलते हैं, नाटक की शुरुआत के करने से पहले हमने पात्रों के विषय में जाना, अब नाटक को हम लोग पढ़ेंगे। पहला मंच पर दृश्य खुलता है और नाटक की शुरुआत होती है। कैसे, आइए जानते हैं।
दृश्य, पहला दृश्य हमें दिखाई दे रहा है और पहले दृश्य में क्या घटना घटती है इनको हम जानेंगे। पर्दा खुलता है और यहाँ पर नाटक की शुरुआत होती है। एक दिन एक महात्मा अपनी दो शिष्य के साथ भजन कीर्तन करते, भिक्षा मांगते, एक नगर से दूसरे नगर घूमते, सूर्य उदय के बाद के समय एक नगर में पहुँचे। ये जो महात्मा गुरुजी हैं और उनके दो शिष्य हैं, ये दोनों शिष्य क्या करते हैं, दोनों शिष्य और गुरुजी भजन कीर्तन करते हुए, भिक्षा मांगते हुए एक नगर से दूसरे नगर घूमते हुए क्या हुआ, सूर्योदय के समय एक नगर में पहुँचे। जो गुरुजी थे ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते थे एक जगह से दूसरी जगह और अपने जीवन यापन के लिए, तो वो क्या होता है एक नगर से दूसरे नगर में जब पहुँचते हैं तब उनके साथ क्या घटना घटती है, आइए जानते हैं। तो उसके बाद गुरुजी कहते हैं, वो उस नगर में पहुँचते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, बच्चा नारायण दास, ये नगर तो बहुत सुंदर लग रहा है, देखो यदि भिक्षा भी अच्छी मिलेगी, यदि हम यहाँ रहें तो भिक्षा भी हमें अच्छी मिलेगी। कौन बोल रहा है ये बातें, गुरुजी बोल रहे हैं अपने शिष्यों से, तो ईश्वर को भोग भी लगा पाएंगे और गुरुजी बोल रहे हैं अगर हमें भिक्षा अच्छी मिलेगी तो हम भोग भी लगा पाएंगे। तो नारायण दास कहते हैं, जी गुरुजी। फिर गुरुजी बोलते हैं, गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ, भिक्षा में जो मिले तुरंत लेकर आओ, अधिक लोभ ना करना। गुरुजी इन दोनों को सलाह देते हैं कि अधिक लोभ ना करना, जो भिक्षा में मिले उसे लेकर आ जाओ। उसी के उपरांत गोवर्धन दास जो है वो पश्चिम की ओर चले जाते हैं और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर चले जाते हैं। उसके बाद गोवर्धन दास बाजार में एक सब्जी वाले के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्यों भाई भाजी कैसे दी। सब्जी वाला कहता है, आलू मिर्च धनिया नींबू सारी चीज़ें टके शेर। ये टके शेर क्या है, यानी कि कोई भी वस्तु का मूल्य जो है उसका कीमत एक रुपये है, अर्थात टके शेर है। तो वो काफ़ी गोवर्धन दास काफ़ी आश्चर्य में रहा। उसके बाद वो बोला, अच्छा ठीक है। फिर वो किसके पास जाता है, वो फिर हलवाई के पास जाता है। हलवाई वाले से कहता है कि क्यों भाई मिठाई कैसे दी। हलवाई वाला कहता है, लड्डू हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर, अर्थात सभी चीज के भाव टके शेर हैं। गोवर्धन दास, सब टके शेर। हलवाई कहता है, इस नगर की चाल ही यही है। वो क्या कहना चाहता है, चाल का मतलब होता है रीति। इस नगर की चाल ही यही है कि यहाँ सभी चीज टके शेर मिलती है, अर्थात सभी चीज़ों के भाव एक है, आप कुछ भी लें सभी की कीमत एक आने हैं, एक रुपये है। गोवर्धन दास तब सोचता है, इस नगर का नाम क्या है। वो हलवाई से पूछता है, हलवाई बोलता है, इस नगर का नाम अंधेर नगरी है। गोवर्धन दास पूछता है इसके बाद कि इस नगर के राजा कौन है। हलवाई ने कहा, चौपट राजा। गोवर्धन दास काफ़ी आनंदित हुआ, बोला वाह वाह। गाता हुआ कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, और वो गाते गाते चला जाता है। अब
तीसरा दृश्य से उठता है पर्दा और आइए जानते हैं। गोवर्धन दास ढेर सारी मिठाई लेकर गुरु जी के पास पहुंचा। गोवर्धन दास ने ढेर सारी मिठाई ली और गुरु जी के पास पहुंचता है। गुरु जी देखिए गुरु जी, 350 मिठाई लाया हूँ। यहाँ प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती है, सब 50 में मिलता है। गुरु जी ने सोच में पड़ गए, ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। चलो चलो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं, गुरु जी ने गोवर्धन दास से कहा। नारायण दास जी जैसी आपकी आज्ञा गुरु जी। नारायण दास गुरु जी की आज्ञा को मान लेता है, परंतु गोवर्धन दास जी कहता है, गुरु जी यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है, इसीलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ कुछ समय तक रुकना चाहता हूँ। मैं यहाँ कुछ घड़ी रुकना चाहता हूँ गुरु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। गुरु जी बोलते हैं, बच्चा अधिक, वो गोवर्धन दास को कहते हैं, बच्चा अत्यधिक लोभ अच्छा नहीं है, बाद में तुम पछताओगे। पर जैसी तुम्हारी इच्छा हो, अगर कोई संकट आए तो मुझे अवश्य याद कर लेना। गुरु जी नारायण दास के साथ चले गए। नारायण दास और गुरुदास जी गुरु जी चले गए और गोवर्धन दास यहीं रुक गया। गुरु जी ने उसे बहुत ही समझाया कि बच्चा यहाँ रहना तुम्हारे लिए बहुत संकट पैदा कर सकता है, अगर तुमको संकट जैसे ही पता चले तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। वो चले जाते हैं और गोवर्धन दास को समझा कर। अब देखो नारायण दास गोवर्धन दास गुरु जी दोनों चले जाते हैं और गोवर्धन दास उसी नगरी में रुक जाता है। अब देखो गोवर्धन दास मिठाई खा खा कर कुछ ही दिनों में मोटा तगड़ा हो गया। गोवर्धन दास मोटा तगड़ा हो गया, खूब मिठाई खाते खाते वो मोटा तगड़ा हो गया। अब चौथा दृश्य उठा, पर्दा उठा। अब देखते हैं राजा का दरबार का दृश्य है। राजा के दरबार में एक फरियादी फरियाद के लेकर आया। एक फरियादी राजा के दरबार में आता है। फरियादी का अर्थ होता है कि जुल्म का शिकायत करने, जुल्म की अपना था अपनी अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत को लेकर फरियादी राजा के पास आता है और राजा से कहता है, क्या कहता है ये फरियादी और राजा से कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई, मुझे न्याय दिलाया जाए। कल्लू फरियादी क्या कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई, मुझे न्याय दिलाया जाए। राजा क्या कहते हैं, कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ के लाओ। अर्थात राजा हुक्म देते हैं कि जाओ कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ के लाओ। आप सब बताइए कि राजा कितना ही महामूर्ख है, दीवार कहीं आ सकती है, दीवार को कभी लाया जा सकता है, क्योंकि दीवार तो निर्जीव चीज है। तो उनकी बातों से आपको पता चल गया होगा कि राजा कितना महामूर्ख है। उसके बाद मंत्री कहते हैं, महाराज दीवार को नहीं लाई जा सकती है। उसके बाद राजा ने, तो फिर कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ। तो सैनिक क्या करते हैं, कल्लू बनिए को पकड़ कर लेकर राजा के सामने आ जाते हैं। ये जो दिख रहा है ये है कल्लू बनिया। कल्लू बनिया को महाराज कहते हैं, महाराज तुमने फरियादी की दीवार, तुम्हारी दीवार गिर जाने से कल्लू बनिए की दीवार, तुम्हारी दीवार गिर गई जिसके कारण फरियादी की बकरी मर गई।
महाराज, कल्लू बनिया कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई होगी कि वो गिर गई। राजा कहते हैं, अच्छा इसे छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। सैनिक क्या करते हैं, राजा की आज्ञा को मानते हुए कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। ये है कारीगर। कारीगर हाथ जोड़ के कहता है, महाराज मैं सच कहता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, छूने वाले ने छूना ही ऐसा बनाया होगा कि दीवार गिर गया था। वो अपना दोस्त किस पे मर देता है, छूने वाले पे मर देता है, उसी ने छूना गलत बनाया होगा इसीलिए दीवार गिर गई। राजा उसकी बातों को मान लेता है और राजा कारीगर को छोड़ दो, सैनिकों को आदेश देता है, कारीगर को छोड़ दो, चूने वाले को पकड़ कर लाओ। सैनिक क्या करते हैं, चूने वाले को पकड़ के लाते हैं। ये रहा चूने वाला। अब चूने वाला आता है, डरते डरते कहता, महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है, भिस्ती ने चूने में इतना पानी दिया होगा कि चूना कमजोर हो गया, वो अपना दोस्त किस पे मर देता है, भिस्ती पर। और वो कहता है, महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है, चूने में उसी ने ज़्यादा पानी मिला दिया इसीलिए कौन चूना कमज़ोर हो गया, और चूना कमज़ोर होने से दीवार गिर गई, और दीवार गिरने से कल्लू बनिया की दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर गई। आगे क्या घटना घटती है देखो। राजा कहते हैं, अच्छा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। राजा कहते हैं, छूने वाले को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है, भिस्ती को पकड़ कर लाओ। छूने वाले को निकाला जाता है। अब भिस्ती को पकड़ कर सैनिक ले के आते हैं। भिस्ती आता है महाराज के पास। ये है भिस्ती। वो कहता है रोते हुए, क्षमा करें महाराज, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। वो कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, वो अपनी गलती किस पे मर देता है, कसाई पर। वो कहता है, मेरा कोई कसूर नहीं महाराज, मशक इतनी बड़ी बनाई गई, अर्थात एक थैली होती है जो बकरी या भेड़ के चमड़े से बनाई जाती है और इसमें भिस्ती जो है पानी भरते हैं, और वो बड़ी बनने के कारण क्या हुआ, उसमें पानी ज़्यादा आ गया और वो चूने में पानी ज़्यादा मिल गया, और चूने में पानी ज़्यादा मिलने से कल्लू मियाँ की बनिया की दीवार गिर गई और फरियादी की बकरी मर गई। मेरा कोई कसूर नहीं है, वो कसाई ही मुझे मशक बड़ा बना देने के कारण उसमें पानी ज़्यादा आ गया होगा। राजा उसे छोड़ देता है, बोलता है जल्दी जाओ कसाई को पकड़ के लाओ। अब कसाई उपस्थित होता है राजा के दरबार में। दुहाई महाराज, इसमें मेरा नहीं गड़ेरिए का दोष है। वो अपनी दोस्त किस पे मर देता है, गड़ेरिए पर। वो दोष देता है कि गड़ेरिया जो है, जो बकरी भेड़ पालते हैं उसे गड़ेरिए कहा जाता है, उसने मुझे क्या है, बकरी भेड़ जो है जो बेची थी उससे बड़ी मशक बन गई। उन्होंने भेड़ जो है मुझे बड़ी बेची थी जिसके कारण मशक अर्थात वो थैला, चमड़े का थैला बड़ा बन गया, मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा बोलता है, अच्छा इसे भी छोड़ दो, अब तुम गड़ेरिए को पकड़ के लाओ। सैनिक जाते हैं और गड़ेरिए को पकड़ के लाते हैं। ये है गड़ेरिया, पकड़ के लाओ कसाई। गड़ेरिया कहता है, महाराज मुझे क्षमा करें, उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी, उसे देखने में मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा कोई कसूर नहीं महाराज, मैंने भीड़ को बेचने में गलती कर दी, मैंने छोटी बड़ी भीड़ ना देखकर बड़ी भीड़ बेच दी होगी, और मेरा कोई कसूर नहीं है, कोतवाल की सवारी उधर से जा रही है इसी के कारण मेरा ध्यान भटक गया।
वो क्षमा मांगता है राजा से। राजा कहते हैं, इसे भी छोड़ दो, निकालो, आप कोतवाल को पकड़ के लाओ। कोतवाल आते हैं राजा के पास। ये है कोतवाल, तुमने अपनी सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली? जिसके कारण गरीबी ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी, जिसके कारण मशक बड़ी बन गई, पानी ज़्यादा मिल गया, चूना चूने में पानी ज़्यादा मिलने के कारण दीवार कमज़ोर पड़ गई और कल्लू बनिया की दीवार गिरने से फरियादी की पकड़ी मर गई। सारा दोष कोतवाल पे मर दिया जाता है और कोतवाल कहता है, तुमने राजा उसको कहते हैं, तुमने अपनी सवारी इतनी धूमधाम से जो निकाली थी, जिसे गरेड़िए घबरा कर बड़ी भीड़ बेच दी, जिसके कारण कल्लू बनिया की दीवार गिरी और बकरी मर गई। कोतवाल कहता है, महाराज महाराज। राजा कहते हैं, महाराज महाराज कुछ नहीं, सारा कसूर कोतवाल का है, इसे तुरंत फांसी दी जाए। कोतवाल को फांसी के लिए देने के लिए लेकर जाते हैं। तो हम देख रहे हैं ये कैसा राजा है जो कि किसी के भी बातों में आ जा रहा है और किसी का दोष किसी पर मार दिया जा रहा है, अर्थात जो न्याय उचित नहीं ले पा रहा है और ना उचित लेने के कारण प्रजा को किस संकट का सामना करना पड़ता है और जिस नगर की राजा की स्थिति ऐसी होगी उस नगर के राजा की चौपाटी कहलाएंगे और उस नगर जो है वो अंधेर नगरी ही कहलाएगा। तो अगले भाग में कौन सी घटना घटती है इसको हम लोग, क्या कोतवाल को फांसी होगी या घटना जो नाटक है उसमें क्या मोड़ आता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम अभी तक हमने जाना कि राजा जो है वो महामूर्ख है और वो किसी भी निर्णय पर सही रूप से ना पहुंचता है और सही फैसला नहीं ले पाता है और नाटक में आगे क्या घटना घटती है इसके कारण इस बातों को हम जानेंगे अपनी अगली कक्षा में। आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।